दोस्तों मान लीजिए अगर अचानक से लाइट चली जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, टॉर्च को ऑन करके उजाला कर देंगे। दोस्तों इस टॉर्च का यूज आप अपने बहुत सारे कामों में करते होंगे, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन टॉर्च को कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन टॉर्च को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के इस प्रोसेस में जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका डेवलपमेंट सन 1971 में कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। दोस्तों फ्लैश लाइट को बनाने से पहले इसके डिजाइन को तैयार किया जाता है। जिस डिजाइन को तैयार करने में रॉ मटेरियल्स एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर युक्त प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इस एल्यूमिनियम को डायामीटर कटर मशीन की हेल्प से सबसे पहले कट किया जाता है। जिस कटिंग प्रोसेस में इसके हेड और ट्यूब पार्ट्स की कटिंग की जाती है। इन ट्यूब्स की कटिंग प्रोसेस के बाद अब इन एल्यूमिनियम ट्यूब को एक विशेष एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके माध्यम से इन ट्यूब्स का वजन हल्का और मजबूत हो जाता है। इस एनोडाइजिंग प्रोसेस के बाद अब इन पार्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट कलर को असेंबल करके इनके ऊपर हेड रिंग और हेड कैप के साथ साथ मेगा लेंस को भी फिट किया जाता है। यह लेंस लाइट को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। इन हेड और रिंग सभी को ऑटो मशीन से द्वारा फिट किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में लाइट्स बैरेनर्स को तैयार किया जाता है। यह एलईडी लाइट पहले से ही तैयार होती है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अदर फैक्ट्री में की जाती है। केवल इस फैक्ट्री में इन्हें तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन टॉर्च को पावर सप्लाई देने के लिए पीसीबी को तैयार किया जाता है। फाइनली अब इन फ्लैश लाइट्स के सभी पार्ट्स को आपस में रोबोटिक मशीन द्वारा जॉइंट कर दिया जाता है। इस फैक्ट्री द्वारा हर 2 सेकंड में एक फ्लैश लाइट यानी टॉर्च को तैयार किया जाता है। तो अब इन टॉर्च की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। इस क्वालिटी टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन टॉर्च की पैकिंग करके इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों मशीनों का युग हमारे भविष्य को बड़ी ही तेजी से बदलता जा रहा है। तो चलिए इसी स्पीड के साथ हम आपको बताएंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्री मशीनों के बारे में। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लिपस्टिक मेकिंग प्रोसेस। लिपस्टिक का यूज महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है महिलाओं की जान लिपस्टिक को। लिपस्टिक को बनाने के लिए सबसे पहले वैक्सेस और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसका फॉर्मूला तैयार किया जाता है, जो कि फैक्ट्री के लिए सीक्रेट होता है, वरना ऐसे तो लोग अपनी दुकानें घर पर भी खोल दें। हाँ यह जरूर पता है, इसमें ऑयल को जरूर मिक्स किया जाता है, साथ ही यहाँ पर जेल को भी मिक्स किया जाता है, वरना लड़कियों के होंठ किसी फटी हुई पेंट की तरह लगते हैं यदि इसे नहीं डाला जाए तो। इसके बाद इस मिक्स किए गए वैक्स में लाल या कोई अन्य कलर के आयरन ऑक्साइड पिगमेंट को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से इस लिपस्टिक का कलर रेड हो जाता है, जैसा कि हमारा खून होता है। इस लिपस्टिक को लिक्विड का रूप दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस मिश्रण को फिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जो इसे लिपस्टिक के केप में भर देता है। अब इन्हें एक ओवन से गुजारा जाता है, जो इस मिश्रण को सुखा देती है। इस प्रोसेस के बाद इन लिपस्टिक को मोल्ड शेप में भर दिया जाता है। अब एक पुशिंग मशीन इन पर लिपस्टिक को मोल्ड के साथ अटैच कर देती है,
बाद में इन्हें पैकिंग कर लिया जाता है। राइस प्रोसेसिंग, दोस्तों चावल को दुनिया के सभी इलाकों में खाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस चावल की हार्वेस्टिंग की जाती है। खेतों में चावल की फसल सूख जाने के बाद इन्हें मशीनों द्वारा कच्चे माल के रूप में निकालकर फैक्ट्री स्टेशन तक लाया जाता है, जहां पर इसे फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक में खाली किया जाता है, जिन्हें एक कन्वेयर बेल्ट फैक्ट्री के वेयर हाउस में ले जाता है, जहां पर इन्हें पंखों के नीचे अच्छी तरीके से सुखाया जाता है ताकि इनमें उपस्थित नमी बाहर निकल जाए। सूख जाने के बाद इन कच्चे चावल को एक वैक्यूम पंप की हेल्प से एक रोलिंग सिलेंडर में भेजा जाता है, जहां पर यह मशीन इसके छिलके और उसमें उपस्थित गंदगी को हटा देती है। कि ये चावल अब ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। अब कुछ कटे या आधे टूटे हुए चावल को अलग निकाल दिया जाता है तथा पॉलिशिंग प्रोसेस के बाद इन्हें पैक कर दिया जाता है। दोस्तों अभी जो आपने चावल देखे हैं उन्हें ब्राउन राइस भी कहा जाता है। अब ये चावल पकाकर खाने के लिए एकदम तैयार होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रोसेसिंग के लिए, फैन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पंखा सभी के घरों में होता है और खासकर इसका यूज हम गर्मियों के मौसम में करते हैं, तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में पंखे को कैसे बनाया जाता है। पंखे को बनाने के लिए सबसे पहले इसके फैन ब्लेड को बनाया जाता है, इसके बाद इस पर कलरिंग प्रोसेस की जाती है, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले गर्म पानी में डुबोया जाता है, बाद में इन पर पेंटेड मशीनों द्वारा कलर को स्प्रे किया जाता है। अब इन फैन ब्लेड्स को सही एंगल दिया जाता है तथा बाद में इन्हें डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। सही एंगल के कारण हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है। अब बारी आती है मेन स्टार्टअप मोटर बनाने की। इसके लिए सबसे पहले सीएनसी ऑटो मशीन में कॉपर और तांबे की वाइंडिंग कर इसके मेन पार्ट को असेंबल किया जाता है। बाद में इस मोटर की वायरिंग की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इसके ऊपर वाले ढांचे को बनाया जाता है। जिसे कलर करके इस वाइंडिंग मोटर के ऊपर फिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन्हें अच्छी तरीके से पैकेजिंग लाइन में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरह फैक्ट्री में पंखे को बनाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं यूट्यूबरों की जान, सिल्वर प्ले बटन फैक्ट्री में कैसे बनता है। दोस्तों वैसे तो सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन लगभग आप देखना चाहें तो सिल्वर प्ले बटन की कीमत 1 लाख प्लस और गोल्ड प्ले बटन आपको 10 लाख तक मिल सकता है, लेकिन यह कहीं पर भी बेचे नहीं जाते हैं। YouTube द्वारा ऑफिशियली इनको बनाया जाता है। सिल्वर प्ले बटन आपको 1 लाख सब्सक्राइबर पर मिलता है तथा गोल्ड प्ले बटन आपको 10 लाख सब्सक्राइबर पर मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके इतने प्यारे सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन की मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले इस प्ले बटन के यूट्यूब वाले शेप को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गोल्ड की पतली परत चढ़ी गोटियों को एक भट्टी में डालकर इनका लिक्विड बनाया जाता है और सिल्वर प्ले बटन बनाने के लिए निकल का लिक्विड यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में यूट्यूब के गोल्ड शेप को बनाया जाता है। जिसके लिए YouTube के शेप जैसे एक बक्से में इस लिक्विड को भर दिया जाता है।
अब इसे ठंडा करने के बाद इस पर एक जार मशीन द्वारा गोल्ड की चिकनाई दी जाती है। इसी प्रकार सिल्वर के यूट्यूब के शेप को भी तैयार किया जाता है। अब इन यूट्यूब के शेप को प्लास्टिक और फाइबर के मिक्सिंग से बने प्ले बटन जैसे एक चौड़े शीट पर असेंबल कर दिया जाता है। अब इन पर लेजर प्रक्रिया द्वारा यूट्यूब क्रिएटर का नाम लिखकर इन्हें शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्पेशल क्रिसमस ट्री मेकिंग। दोस्तों, क्रिसमस डे को बड़े ही मजे के साथ मनाया जाता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल क्रिसमस को सेंटा की याद में सजाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इस आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री को बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वर्कर्स द्वारा इसके फ्रेम और बेस को तैयार किया जाता है। अब इस बॉडी पर पॉलिएस्टर पाउडर की फिनिशिंग दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद सभी अलग अलग बनाए गए पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। अब एक मिल व्हील में ग्रीन कपड़े से इनकी पत्तियों और सेंटा वाली डिजाइन को रेडी किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन आर्टिफिशियल डिजाइन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर को असेंबल कर दिया जाता है। अब इन ट्रीज के नीडल्स को एक वायर के चारों ओर लपेट दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक स्प्रे मशीन इन ग्रीन नीडल्स पर व्हाइट लेटेक्स का पेंट कर देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो इस पेड़ पर बर्फ गिर रही हो। अब इन नीडल्स को एल्यूमिनियम की फ्रेम पर अच्छी तरीके से असेंबल किया जाता है और इस पर लाइटिंग भी असेंबल की जाती है, जिससे यह दिखने में कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो आइए देख लेते हैं सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम अपने घरों में और जनरली रूप से कारों में एलपीजी गैस का यूज करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं इस एलपीजी सिलेंडर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चौड़ी शीट को काटा जाता है, जो पहले से ही तैयार होती है। अब इस शीट द्वारा गोल आकार के सर्कल बनाए जाते हैं। अब इन सर्कल को एक बोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जो सिलेंडर के बीच वाले भाग का निर्माण कर देती है। अब एक कटोरे जैसे आकार के कंटेनर का निर्माण किया जाता है, जिस पर छेद कर इस पर वॉल्व लगाने के लिए इसे असेंबली प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। वॉल्व लगाकर इसकी वेल्डिंग की जाती है। अब इसी भाग पर सिलेंडर को पकड़ने के लिए हैंडल को असेंबल किया जाता है। सामान्यतः सिलेंडर के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को कोलर, बीच वाले को बॉडी यानी प्रेशर पार्ट कहा जाता है, और सबसे नीचे वाले भाग को फुटरिंग कहते हैं। अब इन सभी को एक साथ वेल्ड करके इनको और मजबूती प्रदान करने के लिए एक भट्टी में भेजा जाता है। अब इन सिलेंडर की चेकिंग करने के बाद इन पर कलर किया जाता है। तो इस प्रकार से यह सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार होते हैं।